वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक और एग्जांपल करेंगे ग्रुप थ्योरी की। एक नया ग्रुप है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था बिल्कुल ही उसी तरह का ग्रुप है। जो ऑपरेशन है वो हमें स्टैंडर्ड ऑपरेशन ही दिया हुआ, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का कुछ हो दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। लेट क्यू क्रॉस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। सबसे पहले देखते हैं ये सेट क्या डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, कि इसमें से हमारे पास सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, बट इसमें हमने माइनस वन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि शो डैट इट फॉर्म अ इनफाइनाइट बिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन डिफाइन। ये ऑपरेशन उन्होंने डिफाइन किया है और हमने चेक करना है कि ये ऑपरेशन है, ग्रुप बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और बी कोई दो एलिमेंट लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर इसमें एलिमेंट ले रहे हैं तो ये तो श्योर है ना कि ए ना तो माइनस वन ही होगा और बी जो एलिमेंट है वो भी नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा। अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। देखिए, ऑपरेशन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए बी एलिमेंट आया। अब हमने ये चेक करना है कि ये एलिमेंट क्यू स्टार में, क्यू क्रॉस में है या नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ए और बी तो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, तो ए प्लस बी प्लस ए बी तो वो रैशनल नंबर होंगे। तो अभी तक हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ये दो जो नंबर बनेगा वो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही बनेगा, ए स्टार बी। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये नंबर होगा वो इसमें बिलोंग करेगा। इसमें बिलोंग करने की कंडीशन क्या है कि एक तो वो रैशनल नंबर होना चाहिए और बट माइनस वन नहीं होना चाहिए, माइनस वन के अलावा कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो ये नंबर लिया हमने वो कभी भी माइनस वन के इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करें। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ का क्या मतलब होता है कि हम मान लेते हैं, मतलब कि हमने क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, कभी भी माइनस वन के इक्वल नहीं होगा। हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करते हैं कि हम मान लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल, लेट कर लो, पॉसिबल कर लो कि ये इक्वल टू माइनस वन है। ठीक है, इफ़ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि जो ये एलिमेंट है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, हमने सपोज किया है कि मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आएंगे कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। ठीक है, कैसे वो देखते हैं हम। देखिए, इफ़ पॉसिबल हमने सपोज कर लिया कि ए प्लस बी प्लस ए बी किसके इक्वल है, माइनस वन के। तो क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इसमें और इस टर्म में से मैंने ए कॉमन लिया तो मेरे पास वन प्लस बी बच गया, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, वन प्लस बी कॉमन आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये रैशनल नंबर्स हैं, हमें पता है कि दो रैशनल नंबर कब ज़ीरो कब होगा, या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो। इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है अगर या तो a प्लस वन ज़ीरो हो या तो वन प्लस बी ज़ीरो हो। अगर मान लेते हैं कि a प्लस वन ज़ीरो है तो क्या होगा, a माइनस वन के इक्वल होगा। अगर वन प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया तब भी b क्या आ रहा है, माइनस। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, हमने तो ऊपर ये माना है ना, ऊपर हमारे पास क्या है कि a और b नॉट इक्वल टू माइनस वन है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि a इज इक्वल टू माइनस वन और b इज इक्वल टू माइनस वन। पर ये तो इसे हम बोलते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, क्योंकि हम देखिए जो स्टेप बाय स्टेप हम सभी के सभी करेक्ट स्टेप कर चल रहे हैं, अगर कुछ हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो मतलब कि हमने रॉन्ग एज्यूम किया है कि ये बात रॉन्ग है कि ये कभी भी माइनस वन के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए प्लस बी और प्लस ए बी एक रैशनल नंबर था और वो कभी भी माइनस वन के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद आती है हमारे पास एसोसिएटिविटी, वो भी चेक करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा हमारे पास, बी प्लस सी प्लस बी सी
अब देखिए ए स्टार, ये हम इसको एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये क्या होगा ए प्लस, ये पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके, और प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी प्लस बी सी, इसको हमने क्या किया एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया यहाँ पर, तो ये बना हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, तो ये हमारे पास बना। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बी सॉल्व करेंगे, वो क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए बी फिर स्टार सी। अब उसी तरह से हम इसको सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, पहले ये सिंगल एलिमेंट फिर ये प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है जो हमारी वो भी होल्ड करेगी। अब अगला काम है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करने का, कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, ओके। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की फिर कंडीशन ला देंगे कि ऐसा एलिमेंट चाहिए कि जब भी हम अप्लाई करें तो सेम एलिमेंट निकल कर आना चाहिए, तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर e प्लस ए प्लस ई ए इज इक्वल टू ए, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाइज होगा e प्लस ई ए इज इक्वल टू जीरो, और a जो एलिमेंट है वो हमने कहाँ से लिया है एक रो से, मतलब कि a नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा और ये ज़ीरो आ गया, और e हमने वन प्लस ए इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, अब देखिए या तो e ज़ीरो होगा या वन प्लस ए ज़ीरो होगा। वन प्लस ए ज़ीरो होने का मतलब क्या कि a इक्वल होगा माइनस वन के, बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a नॉट इक्वल है माइनस वन, तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ से e क्या आएगा ज़ीरो, इसका मतलब ज़ीरो क्या आ गया हमारे पास इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ज़ीरो हमारे पास उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब हमने चेकआउट करना है क्या इसका हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो इनवर्स के लिए भी हम क्या करते हैं एक ए एलिमेंट लेते हैं इससे, तो इसका मतलब ए सबसे पहले नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा। अब हमने क्या करना है इसका इनवर्स फाइंड करना, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट चाहिए बी जो बिलोंग कर रहा हो इस सेट में, सच डैट जब भी हम ऑपरेशन लाएंगे तो हमें मिलना चाहिए उसकी आइडेंटिटी, और अभी अभी हमने आइडेंटिटी को फाइंड किया है, वो आइडेंटिटी आई है हमारे पास ज़ीरो। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, हमें फाइंड क्या करना है बी, तो बी वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड रखते हैं और उसको शिफ्ट कर देते हैं ये माइनस ए, बी यहाँ से कॉमन होगा वन प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखिए ए हमारे पास नॉट इक्वल टू माइनस वन है, इसका मतलब वन प्लस ए हमेशा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, इसका मतलब वन प्लस ए से मैं बोथ साइड डिवाइड कर सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में वन प्लस ए से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये एलिमेंट बन जाएगा, ओके। तो सबसे पहली बात हम अभी हमने ये चेक करना है कि जो ये एलिमेंट है क्या वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। देखिए ए हमारे पास एक रैशनल नंबर है और यहाँ से पता चल रहा है कि बी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि जो ये एलिमेंट है वो कभी भी माइनस वन के इक्वल नहीं होगा, तो फिर से हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ कराएंगे। इफ़ पॉसिबल हम लेट कर लेते हैं कि किसी ए वैल्यू के लिए, फॉर सम ए के लिए जो बी है वो हमारा माइनस वन आ गया, मतलब माइनस ए अपॉन वन प्लस ए क्या हो गया माइनस वन, तो यहाँ से क्या होगा माइनस वन और माइनस
ए, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला है कि माइनस वन जो होगा वो इक्वल है ज़ीरो के। क्या माइनस वन कभी भी ज़ीरो के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने सपोज किया है कि ये वैल्यू सपोज कर ली कि माइनस वन की इक्वल है, वो नहीं पॉसिबल है। मतलब कि जो ये वैल्यू है वो कभी भी हमारे पास माइनस वन के इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो बी एलिमेंट है वो बिलोंग कर गया हमारे पास जो क्यू क्रॉस है, ठीक है। तो इसलिए जो ये हमारे पास सेट है, ऑपरेशन डिफाइन किया था हमने, तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा अंडर दिस ऑपरेशन। उसके बाद इन्फोनेट ग्रुप है, बिल्कुल देखिए क्यू क्रॉस एक हमारे पास इन्फोनेट ग्रुप है। अब चेक करना है कि वो बिलियन है या नहीं, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्टार बी फाइंड करेंगे, वो क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए बी। फिर हम बी स्टार ए फाइंड करते हैं, बी स्टार ए क्या होगा बी प्लस ए प्लस बी ए। अब इन दोनों एलिमेंट देखिए रैशनल नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन जैसे भी किए दोनों के दोनों हमारे पास सेम आएंगे। तो इसका मतलब ए स्टार बी किसके इक्वल हो जाएगा बी स्टार ए के। इसका मतलब जो ये ग्रुप है हमारे पास वो प्रूफ हो गया कि वो एक अबेलियन ग्रुप बन रहा है अंडर दिस ऑपरेशन। तो ये दो एग्जांपल थी जिसमें क्या था कि ऑपरेशन जो डिफाइन किया था वो यूजुअल ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया था, सेट्स जो थे हमारे यूजुअली थे बट ऑपरेशन कुछ और डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से अभी हमारे ग्रुप की फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो अगली हमारे पास एग्जांपल्स होंगी उसमें हम कुछ अलग तरह के सेट्स लेंगे, हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वगैरह, कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स, इस तरह के सेट्स नहीं लेंगे, कुछ नए तरह के सेट्स लेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑपरेशन के अंडर वो एक ग्रुप बनते हैं। उसमें ऑपरेशन भी कुछ नए नए ऑपरेशन डिफाइंड होंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के एग्जांपल्स करेंगे।